अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। वेलकम टू द प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। हियर्स योर लैब इंस्ट्रक्टर नशीता अलवाज। कंटेंट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इंक्लूड्स 5 डिफरेंट पोर्शंस। लैब ऑब्जेक्टिव, इक्विपमेंट नीडेड फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन, थियोरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, लैब परफॉर्मेंस पार्ट एंड कंक्लूजन। The title of our today's experiment is the introduction and working of a Zener diode as a voltage regulator. Equipment needed for this experimentation are listed in this slide. Moving towards the theoretical background of this experiment, what is the Zener diode? Zener diode is a PN junction semiconductor device designed to operate in the reverse breakdown region. Reverse के केस में जब आप लोगों की बैटरी जो है वो रिवर्स कंडीशन में कनेक्टेड होती है, उस टाइम पर जो डायोड वर्क कर रहा होता है उसको ज़ीनर डायोड कहते हैं। द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ अ ज़ीनर डायोड इज केयरफुली सेट बैक कंट्रोलिंग द डोपिंग लेवल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली आपके पास जो ज़ीनर डायोड होता है उसका डोपिंग लेवल सेट किया जाता है, मीन्स ये हाईली डॉप्ड डायोड होता है। हाईली डॉप्ड डायोड होने की वजह से इसमें आप रिवर्स बायस में भी इसे वर्क करवा सकते हो। द नेम ज़ीनर डायोड वॉज नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन साइंटिस्ट क्लेरेंस मेलविन ज़ीनर, हु डिस्कवर्ड द ज़ीनर इफेक्ट। अ ज़ीनर डायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस डिजाइन टू ऑपरेट इन द ज़ीनर ब्रेकडाउन रीजन। ज़ीनर डायोड्स एक्ट लाइक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड्स अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ज़ीनर डायोड जो होता है, अगर आप उस पर पॉजिटिव सप्लाई उसकी अटैच करते हो पी के साथ और नेगेटिव अप्लाई करते हो एन के साथ, तो वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में एक्ट करता है नॉर्मल डायोड की तरह ही। व्हेन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज अप्लाई टू द ज़ीनर डायोड, इट अलाउज लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ब्लॉक ऑनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ज़ीनर डायोड इज हैवीली डॉप्ड देन द नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड। इसी वजह से इसका जो डिप्लीशन रीजन होता है वो बहुत थिन होता है, क्योंकि बहुत कम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके पी साइड पर जाते हैं और बहुत कम होल्स जो होते हैं वो एन साइड पर बन रहे होते हैं। तो डिप्लीशन रीजन बहुत कम होता है क्योंकि ये बहुत हैवीली डॉप्ड होता है। इसमें पी टाइप में बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत फ्री फिल्ड होते हैं, और पी साइड पर बहुत ज़्यादा होल्स होते हैं, प्रॉपरली डॉप्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं हो रही होती। तो ये जो है डिप्लीशन रीजन बहुत थिन होता है ज़ीनर डायोड में। तो इसलिए जो है आपका ज़ीनर डायोड वो जब नॉर्मली कनेक्टेड भी होता है ना, तो भी आपके पास मोर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहा होता है। और ये जो है इलेक्ट्रिक करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल डायोड की तरह ही करवाता है, जबकि जब ये आपका जो नॉर्मल डायोड होता है वो रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट नहीं कर सकता। ठीक है, और जब आप नॉर्मल डायोड के केस में अगर आप ज़ीनर मतलब डायोड की नस्बत जब नॉर्मल डायोड की आप बात करते हैं, उस पर हम जब रिवर्स सप्लाई देते हैं, मतलब एन को आप पॉजिटिव से अटैच करते हो पी को नेगेटिव से अटैच करते हो, तो क्या होता है, एक जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा आपका रिवर्स वोल्टेज होता है तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है डायोड के अंदर, और समटाइम्स करंट फ्लो होने की वजह से इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन की वजह से कि आपके पास डायोड जो है वो डैमेज होने का खतरा होता है। लेकिन ज़ीनर डायोड के केस में ऐसा नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो बहुत कम होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो डिप्लीशन रीजन के क्रॉस बन रहा होता है वो बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि डिप्लीशन रीजन ही कम होता है, आपको सप्लाई कम वोल्टेज की देनी पड़ती है आपने डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि हम लोग जितनी भी सप्लाई देंगे डायोड के क्रॉस, डायोड ने तब वर्क करना है जब वो जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस कर लेगा। जब तक ब्रेकडाउन वोल्टेज डायोड का क्रॉस नहीं होगा तब तक वो वर्क नहीं करेगा। तो ज़ीनर डायोड के केस में वो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? इसलिए कम होता है क्योंकि आपका डिप्लीशन रीजन बहुत कम होता है। डिप्लीशन रीजन क्योंकि शॉर्ट होता है, कम होता है, तो आपका जो ज़ीनर डायोड है वो जो है कम वोल्टेज पे, कम रिवर्स वोल्टेज पे ज़्यादा करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है
फॉरवर्ड कंडीशन के अंदर तो नॉर्मली वैसे ऑपरेट कर रहा होता है, लेकिन रिवर्स कंडीशन के अंदर बेसिकली ये जो है वर्क करता है, जबकि नॉर्मल डायोड जो है वो वर्क नहीं कर रहा होता। तो इसलिए हम जो है स्पेसिफिकली इसको रिवर्स बाइस में जहाँ पे हमने यूज़ करना हो वहाँ पे ही कनेक्ट कर होते हैं, जहाँ पे हमने फॉरवर्ड बाइस में करना हो तो वहाँ नॉर्मल डायोड यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पर हमने रिवर्स बाइस कोई प्रॉपर वोल्टेजेस हमें चाहिए होते हैं, प्रॉपर करंट हमें चाहिए होता है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट रिवर्स डायरेक्शन की होती है कि उस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, वहाँ पे हम जीना डायोड को स्पेसिफिकली डिज़ाइन करते हैं, अमाउंट कर रहे होते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये जो है बेसिकली डिज़ाइन ही रिवर्स वोल्टेजेस के लिए हुआ है। फॉरवर्ड में भी एक करेगा सेम जैसे दूसरा डायोड करता है, लेकिन रिवर्स के लिए क्योंकि डिज़ाइन हुआ है तो डेफिनेटली इसको हम वहीं पर इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी जो हमने बेसिकली बात की थी कि आपके पास जो जीना डायोड होता है वो बहुत हैविली डॉप्ड होता है, ठीक है? तो हैविली डॉप्ड का मतलब क्या है कि बहुत फिल्ड किस्म के इलेक्ट्रॉन्स और फिल्ड किस्म के आपके होस्ट जो हैं वो प्योर एन टाइप मटीरियल के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है? तो जिस तरह से यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में आप देखें पिक्चर की, तो लेफ्ट साइड में मैंने नॉर्मल डायोड बनाया हुआ है और राइट साइड पे मैंने जो है आपका एक जीना डायोड बनाया हुआ है। नॉर्मल डायोड के केस में आप देखो कि पी मटीरियल जो है उसके अंदर लेस नंबर ऑफ होल्स हैं, ठीक है? जबकि आप जीना डायोड के अंदर देखो वो हाईली डॉप्ड है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा होल्स जो हैं वो भरे हुए हैं। इस तरह से एन मटीरियल की तरफ देखो तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू जीना डायोड। जीना डायोड में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? तो आपका क्या होता है, हैवली डॉप्ड होता है, तो पी और एन टाइप मटीरियल के अंदर बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। अब जब पी और एन टाइप मटीरियल में बहुत ज़्यादा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बेसिकली जब भी आप अप्लाई करते हो रिवर्स वोल्टेजेस, तो डिप्लीशन रीजन जो आपको पता है रिवर्स वोल्टेजेस के केस में हमने पढ़ा था कि वो वास्ट से वास्ट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपोजिट साइड पर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, होल्स नेगेटिव साइड पर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन जो है वो हमारा बढ़ता रहता है। लेकिन आपका जो नॉर्मल डायोड होता है इसके अंदर डिप्लीशन रीजन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जबकि आपका जो जीना डायोड होता है इसके अंदर डिप्लीशन रीजन कम वाइड होता है। उसके रीज़न ये है क्योंकि डिप्लीशन रीजन बेसिकली होता है आइंस की वजह से आकर, ठीक है? आइंस बनेंगे तो आपके जो हैं बेसिकली डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा, आइंस नहीं होंगे तो डिप्लीशन रीजन नहीं होगा। आइंस कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे जब आपके एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पी साइड के अंदर मौजूद होल्स के साथ अपने बॉन्ड बना लेंगे और नेगेटिव साइड पी साइड पर आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज पी साइड पर आ जाएगा, और क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से गए होते हैं पी साइड पर तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो उसको कहते हैं डिप्लीशन रीजन। अब क्योंकि आपका जो नॉर्मल डायोड है उसके अंदर तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो एन साइड से पी साइड पर चले जाएंगे, ठीक है? जैसे आप बैटरी दोगे, तो जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन का वोल्टेज या फिर ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होता है। जबकि जीना डायोड के केस में आप लोग क्या करते हो, आप लोगों के पास हाईली डॉप्ड एन और पी टाइप मटेरियल होता है। हाईली डॉप मीन्स अलग अपनी जगह से हिलते नहीं है, वो पूरे बॉन्ड आपस में बॉन्डिंग उनकी हुई होती है, ठीक है? वो बाउंड हुआ होता है जगह से, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल कर पी साइड पर जाते हैं और होल्स के साथ बॉन्ड बना के नेगेटिव चार्ज वहां पर आता है और पॉजिटिव एन टाइप मटीरियल पर आता है, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलते हैं एन टाइप मटीरियल, जिसकी वजह से बहुत छोटा सा आपके पास डिप्लीशन रीजन होता है। जब छोटा डिप्लीशन रीजन होता है तो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है आपके पास वो भी कम होगा। डायोड ने जब वर्क करना है तो इस वोल्टेज को उसने क्रॉस करना है, ठीक है? इस वोल्टेज इतना वोल्टेज आपको बैटरी पर देना पड़ेगा कि ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये जो है इससे ज़्यादा हो, ठीक है? जब तक ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा सप्लाई पर आप वोल्टेज नहीं देते कोई डायोड वर्क नहीं कर सकता। जैसे ब्रेकडाउन से ज़्यादा होगा तो डायोड ने वर्क करना है। तो जब आपका जीना डायोड होता है तो जीना डायोड के केस में वोल्टेजेस जो डिप्लीशन रीजन के होते हैं वो बहुत कम होते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि आपका एन और पी टाइप मटीरियल बहुत ज़्यादा वाइड होता है। सिंबल ऑफ द जीना डायोड जो है वो हमारे पास पिक्चर में गिवन है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर नॉर्मल डायोड की तरह दो ही टर्मिनल्स होते हैं, एनोड और कैथोड। कैथोड जो है वो लाइन वाली साइड है जिस पे आप जी टाइप ऑफ सिंबल जो है वो बना हुआ है, वो जी टाइप ऑफ सिंबल जो है वो बेसिकली कैथोड को शो कर रहा है, और एनोड पॉजिटिव साइड होती है जीना डायोड की,
और इसको हम जो है लेफ्ट साइड पर रखते हैं। आपको जीनर डायोड में दोनों तरह का करंट मिल रहा होता है, तब भी करंट मिल रहा होता है जब एनोड और जो एनोड पॉजिटिव से अटैच होता है बैटरी के और कैथोड नेगेटिव से अटैच होता है, और तब भी करंट मिल रहा होता है जब एनोड नेगेटिव से अटैच होता है और कैथोड पॉजिटिव से अटैच होता है। ठीक है, मीन्स एनोड से कैथोड पर भी करंट फ्लो होता है, फॉरवर्ड कंडीशन में भी करंट फ्लो होता है, और कैथोड से एनोड मतलब नेगेटिव कंडीशन में भी करंट फ्लो होता है। दोनों साइकिल्स में आपका करंट फ्लो रहा होता है जीनर डायोड के केस में। अब अगर हम ब्रेकडाउन्स की बात करें तो ब्रेकडाउन जो होता है जीनर डायोड के अंदर वो दो तरह के होते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन होता है और दूसरा जीनर ब्रेकडाउन होता है। एवलांच ब्रेकडाउन जो है वो नॉर्मल डायोड में भी अक्कर हो रहा होता है और जीनर डायोड में भी होता है, तब होता है बेसिकली जब आप हायर रिवर्स वोल्टेजेस देते हो। जैसे ही आप पीएन जंक्शन डायोड पे हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पी टाइप मटेरियल के अंदर उनको बहुत हाई लेवल की एनर्जी मिल जाती है और वो एक्सेलरेट करना शुरू रहते हैं ग्रेटर वेलोसिटी से। तो एवलांच ब्रेकडाउन अकर्स इन बोथ नॉर्मल डायोड एंड जीनर डायोड एट हाई रिवर्स वोल्टेज। देन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पी साइड के अंदर, मतलब जो आपकी माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं पी साइड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनको एनर्जी मिल जाती है, वो हाई स्पीड से मूव करना शुरू कर देते हैं और कोलाइड करते हैं एटम्स से जबकि डिप्लीशन रीजन में होते हैं। ठीक है, तो एटम से जैसे वो कोलाइड करते हैं तो एटम के जो आउटर मोस्ट शेल में कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉक ऑफ हो जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को मजीद एक्सेलरेट हो जाते हैं और कोलाइड करते हैं दूसरे एटम से, दूसरे एटम में से भी इलेक्ट्रॉन्स निकालना शुरू कर देते हैं। बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूस कोलिजन विद द एटम्स, एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन ने एक एटम के साथ को हिट किया, हिट करने से एटम से और इलेक्ट्रॉन्स निकले, अब जो इलेक्ट्रॉन निकले उन्होंने नए एटम्स को हिट किया, वहां से और इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो इस तरह से पूरा प्रोसीजर होता रहता है। तो इस कॉन्टिन्यूस क्लेन की वजह से लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बनते हैं। तो उसकी वजह से जब क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन रहे होते हैं, एक बहुत बड़ा करंट जो है वो डायोड में फ्लो होना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो नॉर्मल डायोड को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है रिवर्स कंडीशन में डायोड वर्क नहीं कर सकता, नेगेटिव जो पॉजिटिव से और पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड होती है तो उसके अंदर उसकी डायोड की कैपेसिटी नहीं होती कि वो रिवर्स के अंदर उस इलेक्ट्रिक करंट को बर्दाश्त कर सके। ठीक है, तो डायोड के अंदर जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है रिवर्स के केस में तो वो जल जाता है हीटिंग की वजह से। जबकि जो एवलांच डायोड होते हैं या जो जीनर डायोड होते हैं वो क्योंकि बने ही रिवर्स के लिए होते हैं तो उनके अंदर एक स्पेसिफिक वोल्टेज जो है वो सेट किए होते हैं और उस पर वो ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। एवलांच ब्रेकडाउन जो है वो अक्कर हो रहा होता है जीनर डायोड में विद जीनर वोल्टेजेस ग्रेटर देन 6 वोल्ट। 6 वोल्ट से जब आप ज्यादा दोगे तब आपका एवलांच ब्रेकडाउन जो है वो अक्कर होगा जीनर डायोड के अंदर। दूसरा ब्रेकडाउन होता है आपके पास जीनर ब्रेकडाउन। अब ये जो दोनों ब्रेकडाउन आ रहे होते हैं बेसिकली आपके पास, ये दोनों ब्रेकडाउन तब अक्कर होते हैं जब आप रिवर्स सप्लाई देते हो। ठीक है, अगर आप फॉरवर्ड दोगे तब तो ये ब्रेकडाउन नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल करंट डायोड में फ्लो होगा। ये जो दोनों ब्रेकडाउन आते हैं आपके पास वो आ रहे होते हैं तब जब आप रिवर्स सप्लाई देते हो। ठीक है, जब आप नेगेटिव को पॉजिटिव से अटैच करते हो और पॉजिटिव को एन टाइप मटीरियल से अटैच कर रहे होते हो। तो अब जीनर डायोड है हमारे पास, जीनर ब्रेकडाउन है सेकेंड ब्रेकडाउन जो अक्कर हो रहा होता है जीनर डायोड के अंदर। तो जीनर डायोड जो है उसके अंदर जीनर ब्रेकडाउन अक्कर होता है हैवीली डॉप पीएन जंक्शन डायोड की वजह से। ठीक है, क्योंकि हैवीली डॉप जब आपके पास पीएन जंक्शन डायोड्स होते हैं, पी मटीरियल एन मटीरियल जो होता है वो हैवीली डॉप्ड होता है तो नैरो डिप्लीशन रीजन होता है। जैसे हम रिवर्स बाइस वोल्टेज जो है वो डायोड पर अप्लाई करते हैं और उसको इंक्रीज करना शुरू करते हैं रिवर्स वोल्टेजेस को तो नैरो डिप्लीशन रीजन जो है जनरेट कर रहा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, अपने क्रॉस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। व्हेन रिवर्स बाइस वोल्टेजेस अप्लाई टू द डायोड और वो रीच कर जाते हैं जीनर वोल्टेज को तो आपका जो डिप्लीशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इतनी ज्यादा फ्री एनर्जी मिल जाती है, इतनी ज्यादा उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ जाती है
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उनको मिल जाती है कि वो ब्रेक कर देते हैं अपने पेरेंट एटम के साथ बॉन्डिंग, और वो खुद ब खुद जो है वो बॉन्ड टूटता है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनकी पेरेंट एटम से बॉन्डिंग जो है वो टूट जाती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैरी कर रहे होते हैं फ्री करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि आपके जैसे बॉन्ड टूटता है इलेक्ट्रॉन्स मूव होना शुरू हो जाते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं एटम से, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट फ्लो होता है। तो एट जीनर ब्रेकडाउन रीजन अ स्मॉल इंक्रीज इन वोल्टेज विल रैपिडली इंक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ाते हो सप्लाई पर तो जीनर ब्रेकडाउन के केस के अंदर तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आइंस को मिल रही होती है। ठीक है, अब ज़्यादा क्यों मिल रही होती है, क्योंकि आपका हाईली डॉप्ड होता है जीनर डायोड। जीनर ब्रेकडाउन जो है वो अक्कर हो रहा होता है बहुत कम रिवर्स वोल्टेज पे, जबकि एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज, एवलांच जो इफेक्ट होता है, ब्रेकडाउन इफेक्ट होता है वो हाई रिवर्स वोल्टेज पे आकर होता है। मींस आपको बहुत हाई रिवर्स वोल्टेज जब आप अप्लाई करते हो डायोड पे तब जाके आपका करंट फ्लो होना शुरू रहता है हाई, लेकिन जीनर ब्रेकडाउन पे कम वोल्टेज के केस में भी आपको करंट जो है वो मिलता है। अब जीनर ब्रेकडाउन अकर्स इन जीनर डायोड बिकॉज दे हैव वेरी थिन डिप्लीशन रीजन, इस पर हमने भी बात की है, बहुत कम थिन सा डिप्लीशन रीजन होता है। क्यों थिन डिप्लीशन रीजन होता है, क्योंकि हमारे पास हैवीली डॉप मटेरियल होता है। ब्रेकडाउन रीजन इज द नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन फॉर अ जीनर डायोड। जीनर ब्रेकडाउन अकर्स इन जीनर डायोड विद जीनर वोल्टेज लेस देन 6 वोल्ट। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड। Zener breakdown voltage of the Zener diode is depends upon the amount of doping applied. अगर heavily doped किस्म का आपके पास Zener diode है तो बहुत कम reverse voltage पे बहुत ज़्यादा current flow होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर doping level जो है वो कम है Zener diode के अंदर तो आपको ज़्यादा voltages, ज़्यादा reverse voltages जो हैं अप्लाई करने पड़ेंगे, तब जाके आपको करंट का फ्लो जो है वो ज़्यादा मिलेगा। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज जब बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है डोपिंग लेवल पर, आप लोगों के पास जिस जो ज़्यादा डॉप्ड किस्म का जीनर डायोड होगा उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज उतना कम होगा। जीनर डायोड आर अवेलेबल विद जीनर वोल्टेज इन द रेंज ऑफ 1.8 वोल्ट टू 400 वोल्ट। जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर डायोड बेसिकली यूज हो रहा होता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, मीन्स अगर मेरे पास एक वेरिएबल पावर सप्लाई है और उस वेरिएबल पावर सप्लाई में बहुत ज़्यादा वोल्टेजेस जो हैं वो वेरी हो रहे हैं, और उस सप्लाई से मैंने एक लोड कनेक्ट किया हुआ है, जैसे एक LED कनेक्ट की हुई है जिसको एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज चाहिए, तो DC पावर सप्लाई से तो एक बहुत डिफरेंट किस्म के बड़े वोल्टेजेस भी आ रहे हैं, छोटे भी आ रहे हैं, जबकि LED को एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम लोग जो हैं LED को एक कांस्टेंट वोल्टेज दें? तो LED को एक स्पेसिफिक वोल्टेज देने के लिए हम लोग लगाते हैं जीनर डायोड सर्किट के अंदर इन रिवर्स बाइस डायरेक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जीनर डायोड अभी हमने स्टडी किया है रिवर्स बाइस में एक्ट करता है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम नोट करूँ, VDC होगा। ठीक है, अब VDC क्या है? फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल पावर सप्लाई है तो उसके वोल्टेजेस जो हैं वो बने रखे हुए हैं लाइक 20 है। ठीक है, और RL जो है मेरे पास रेजिस्टेंस है LED की, LED को ऑपरेट करवा रही हूँ मैं, तो 20 वोल्ट मैंने DC सप्लाई पर दिए हैं, जबकि RL लोड है मतलब LED है वो ऑपरेट हो रही है 2 वोल्ट पर, और जीनर डायोड जो है मैंने अटैच किया हुआ है यहाँ पर 17 वोल्ट का। ठीक है, तो कैसे फिनोमेना होगा कि आपके पास पावर सप्लाई से 20 वोल्ट आएंगे, तो जितने 17 वोल्ट जो हैं बेसिकली वो आपके जो है आगे चले जाएंगे जीनर डायोड पे। ठीक है, अब जीनर डायोड ने आप लोगों को अगर LED 2 वोल्ट की है तो आपको जीनर डायोड यहाँ पे कम वोल्ट का लगाना चाहिए था। ठीक है, कि वो कम वोल्टेज अपने अक्रॉस ले, क्योंकि आप लोग DC पावर सप्लाई ज़्यादा की लगा रहे हो। तो हम इसको चेंज करेंगे, इस तरह से चेंज करेंगे कि आप DC पावर सप्लाई अगर 20 आ रही है तो मुझे राउंड अबाउट
अगर मेरी एलईडी 2 वोल्ट्स पर ऑपरेट हो रही है तो मुझे राउंड अबाउट 5 वोल्ट का जीना डायोड रिक्वायर होगा। 5 वोल्ट जीना डायोड रिक्वायर होने का मकसद ये है कि आप डीसी वोल्टेज पे 100 दे दें, 50 दे दें, तब भी आपके जीनर डायोड ने लोड तक सिर्फ 5 वोल्ट ट्रांसमिट करने हैं। एलईडी तक वो सिर्फ 5 वोल्ट देगा। वो जो 50 अगर आप दे रहे हो डीसी पावर सप्लाई पे, 100 दे रहे हो, 70 दे रहे हो, 30 दे रहे हो, जितने भी ज्यादा वोल्टेजेस दे रहे हो, जीनर डायोड ने 5 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेजेस आगे नहीं दे रहे। कम वोल्टेज दे सकता है, 5 वोल्ट से मतलब कम क्या होंगे, 2, 3, 4, 1, 0 पॉइंट समथिंग, वो वोल्टेजेस वो आगे देगा लोड को, लेकिन ज्यादा वोल्टेज वो आगे नहीं देगा। तो यहाँ पर अगर मैंने 2 वोल्ट की एलईडी को ऑपरेट करवाना है और डीसी पावर सप्लाई पे लेट सपोज मेरे पास 20 वोल्ट आ रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 5 वोल्ट की एलईडी, 5 वोल्ट का जीनर डायोड अटैच कर देती हूँ। अब जीनर डायोड क्या करेगा, डीसी पावर सप्लाई से जो वोल्टेजेस आ रहे हैं उसमें से सिर्फ 5 वोल्ट लेगा, और 2-3 वोल्ट जितने ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि मेरी एलईडी ने ऑपरेट होना है 2 वोल्ट पे, तो 3 वोल्टेज जो ज्यादा मिल रहे हैं मुझे वो रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो जाएंगे, और रिमेनिंग जो 2 वोल्टेज होंगे वो एलईडी के पास पहुंचेंगे और एलईडी आपके पास ऑन हो जाएगी। तो क्या है, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर वर्क कर रहा है, मीन्स एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है आपके लोड को। तो जब भी आपने किसी सर्किट के अंदर कॉन्स्टेंट वोल्टेज देना होता है आउटपुट पे, हालांकि आपको इनपुट जो है वो वेरिएबल वोल्टेज मिल रही हो, तो आप लोग जो डिवाइस यूज करते हो उसको कहते हैं जीनर डायोड। जीनर डायोड आपको एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज दे रहा होता है, चाहे आपके पास इनपुट जो है वो वेरी हो रही हो, चाहे आपकी इनपुट जो है वो बहुत बड़ी आ रही हो, चाहे आपकी कम आ रही हो, तो आपके पास जीनर डायोड ने हमेशा आपके लोड को कॉन्स्टेंट करने के लिए, कॉन्स्टेंट वोल्टेज देने के लिए हेल्पफुल होता है। हमारा जो आज के एक्सपेरिमेंट है वो है जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो हमें इक्विपमेंट चाहिए होगा वो होगा एक तो प्रोजेक्ट बोर्ड या फिर ब्रेडबोर्ड है जिसका हमने सर्किट डायग्राम बनानी है, या आपके पास जीनर वोल्टेज है जो कि बेसिकली 7 वोल्ट पे कर रहा है वर्क, 7 वोल्ट तक इसने आगे पास करना है, अदरवाइज ये आगे पास नहीं करेगा। जितने भी आप वोल्टेज दे रहे होगे डीसी पावर सप्लाई से, ये सिर्फ 7 वोल्ट पर ऑपरेट करेगा। ये एक एलईडी है, ये एक रेजिस्टर है, एक मल्टीमीटर हम यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा ये डीसी पावर सप्लाई है, ठीक है। तो हमने डीसी पावर सप्लाई के पॉजिटिव जो है वो बेसिकली कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ से आ रही है वायर आपके इस टर्मिनल से अटैच किया हुआ है, नेगेटिव इस टर्मिनल से अटैच किया हुआ है, ठीक है। जीनर डायोड के पॉजिटिव को पॉजिटिव से अटैच किया हुआ है बैटरी के, और नेगेटिव को एलईडी के नेगेटिव से अटैच किया हुआ है, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गई है, देन हम यहाँ से डीसी पावर सप्लाई पे मैंने वोल्टेजेस दी हैं 24 वोल्ट, ठीक है। 24 वोल्ट मैंने यहाँ से डीसी पावर सप्लाई से दिए हैं, एलईडी ने 2 वोल्ट पे ऑपरेट होना है, और जीनर वोल्टेज जो है आपके पास जीनर डायोड का जो होगा वो 7 वोल्ट है। अब यहाँ पर मैंने 24 वोल्ट दिए हैं, लेकिन आपका जीनर डायोड जो है वो सारे वोल्टेज को बेसिकली कट कर देगा और सिर्फ आपको 7 वोल्टेज आगे देगा, ठीक है। आप यहाँ पर 30 दे दो, 12 दे दो, जितने भी वोल्टेज इसे सप्लाई पर दे दो, इसने सिर्फ 7 वोल्टेज ही अपने पास रखने हैं, बाकी वोल्टेज जो है वो आपको बेसिकली नहीं मिल रहे होंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपको 7 मिलेंगे, तो अगर मैं इसके क्रॉस रखती हूँ बेसिकली डीएमएम को, तो आप लोग देख सकते हैं डीएमएम की प्रॉब रखी है, तो जीनर डायोड के अक्रॉस मुझे 7 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। अब मजीद जो थोड़ा बहुत वोल्टेज होगा वो रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, और एलईडी आप देख रहे हो ब्लिंक होगी, तो अगर मैं एलईडी के अक्रॉस वोल्टेज चेक करूं तो ये 2.1 आ रहे हैं, क्योंकि ये एलईडी 2 पर ऑपरेट होनी थी, ठीक है। तो जीनर डायोड यहाँ पे एज अ वोल्टेज रेगुलेटर वर्क कर रहा है कि 2 वोल्ट की एलईडी ही ऑपरेट हो रही है, जबकि इसके अक्रॉस 7 आ रहे हैं, तो ये 2 पर इसको ऑपरेट करवा रहा है जीनर डायोड। और पीछे से हमारे पास जितने भी वोल्टेज को मैं चेंज कर देती हूँ, जितने भी वोल्टेजेस को, ठीक है, तो जितने भी वोल्टेज अगर मैं 32 कर रही हूँ, ठीक है, मैंने वेरिएबल पावर सप्लाई थी उसको चेंज किया है, और फिर मैं जीनर डायोड के क्रॉस वोल्टेजेस को मेजर करती हूँ, तो फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि आपको 7 वोल्टेज ही मिल रहा है। मीन्स पावर सप्लाई से आप जितने भी वोल्टेज दोगे आपको जीनर के क्रॉस 7 वोल्टेज ही मिलेंगे, क्योंकि जीनर डायोड के वोल्टेजेस जो है वो 7 है, और एलईडी के क्रॉस भी आपको 2 वोल्टेज ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का बेसिकली आज का एक्सपेरिमेंट था। फ्रॉम दिस लैब वी हैव लर्न अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आवर जीनर डायोड
its working and its use as a voltage regulator.